सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली, उत्तराखंड टू दिल्ली, क्योंकि ऑफिस में रिपोर्ट करना है। ऑफिस वाले कह रहे हैं कि रिपोर्ट टू ऑफिस, तो मैं अभी घर से ही काम कर रहा था, तो अभी ऑफिस से बुलावा आया है, तो ऑफिस जाना है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30, और धूप देखो, धूप आती है पहाड़ों में। यहाँ से मैं पहले जाऊंगा देहरादून, और देहरादून से जाऊंगा दिल्ली। तो एक दिन जाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि 13 घंटे चलाना जो है बाइक काफ़ी टफ है, तो 2 दिन में सही रहता है, थकान नहीं लगती। अगर आप एक दिन कंटिन्यू चलोगे उत्तराखंड टू दिल्ली तो थकान लग जाती है, तो रुक रुक के जाएंगे, एक दिन देहरादून फिर नेक्स्ट डे दिल्ली। इधर बैठता मैं, हाँ अच्छा, पहाड़ों में जो है 6 बजे धूप आ जाती है। देखो ऊपर की तरफ धूप आ चुकी है, सामने की तरफ भी धूप आ चुकी है। ये देखो सुबह की धूप, 6 बजे की धूप। देखो अभी सवारी की गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हुई है, यहाँ से सवारियों की गाड़ियाँ जाती हैं। तो आज काफ़ी लेट हो गई है, 6:30 हो गई। तो चलो दिल्ली चलेगी है तनी, बाइक होगी पैक और पीछे बैग है। लेट बहुत हो गए, 6:30 हो गए। बाय दोनों, चल तू भी चल रही दिल्ली, चल ले, बाय बाय। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 6:55, 6:55 पे मैं निकला हूँ अपने घर से, अपने गांव से, यूके टू दिल्ली। वैसे यूके टू दिल्ली है, बट आज मैं जाऊँगा पहले देहरादून, फिर उसके बाद दिल्ली, पहले देहरादून फिर दिल्ली। यहाँ से देहरादून होगा किलोमीटर में तो मेरे को पता नहीं है, बट हाँ 4-5 घंटे तो लगते हैं, अगर देखा जाए तो 4 घंटे तो आराम से लगेंगे। और फिर वहाँ से दिल्ली जो है पहुँचने में जो है 5-6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से देहरादून नज़दीक है, फिर देहरादून से दिल्ली थोड़ा दूर है। धूप देखो पहाड़ों में, धूप जो है आ चुकी है। तो ये देखो टाटा सुमो जो है सवारी भर के ले जा रहे हैं, तो इनका काम रहता है सुबह का 7-7:30-8 बजे यहाँ से सवारी फुल करके जो है बाजार तक जाना। तो हमारा मेन मार्केट होता है श्रीनगर गढ़वाल, तो ये श्रीनगर गढ़वाल तक जाते हैं, और कभी सवारियाँ होती हैं कभी नहीं होती हैं, तो ये भी अपनी इनका भी डेली का जो है स्ट्रगल रहता है कि अगर सवारी होगी तो ठीक, नहीं हुई तो फिर घर पर बैठना पड़ता है। तो पहाड़ों में देखो धूप कितनी जल्दी आ जाती है सुबह, तो गर्मियों में तो जल्दी आ जाती है, लेकिन सर्दियों में जो है धूप आने में टाइम लगता है। गर्मियों में तो 6 बजे ही धूप आ जाती है, लेकिन सर्दियों में जो है 9-10 बजे तक धूप आती है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से कि आपकी लोकेशन कैसी है। तो मैं पहुंच गया हूँ श्रीनगर के बिल्कुल ठीक सामने, और यहाँ से अब कीर्ति नगर पहुँचना है। यहाँ से 5 किलोमीटर है कीर्ति नगर, फिर कीर्ति नगर से यू हैव टू टेक राइट टुवर्ड्स देहरादून, ऋषिकेश देहरादून। 7:05 थे, और अभी लगा लो कि 7:50 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग चुका है। कीर्ति नगर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा हो जाएगा, तो मात्र 25 किलोमीटर आने में मेरे को जो है 1 घंटा लग गया, तो लगा लो कि कैसा रूट रहता है।
हाँ जान तो कहाँ पे अच्छा अभी मिलानी उसको है? तो मिलानी उसको मिल के आता उसको नहीं किया चल ठीक है सब्सक्राइब करिए चैनल ठीक है यहाँ पे लग गया जाम तो यहाँ से राइट लेना है देहरादून के लिए यहाँ से लेफ्ट जाते हैं रुद्रप्रयाग और राइट साइड जाते हैं देहरादून अब इसके बाद रोड जो है बहुत ही अच्छी है स्मूथ और काफ़ी चौड़ी रोड है और यहाँ से लेके और ऋषिकेश तक काफ़ी अच्छा जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले 4-5 सालों में तो रोड काफ़ी अच्छी बना रखी है और पूरी धूप और आज गर्मी काफ़ी होगी क्योंकि मौसम के हालात देख के लग रहा है कि गर्मी बहुत होगी अभी तो नहीं मतलब 12 बजे के बाद तो अभी खींच के चलानी पड़ेगी नहीं तो देहरादून में जो है बहुत गर्मी झेलनी पड़ेगी यहाँ पे बाइक राइडिंग का ही मजा है और खास करके गर्मियों में सर्दियों में तो आपकी जो है बत्ती गुल हो जाएगी बहुत गंदे तरीके से चलते हैं यहाँ पे खास करके कार वाले देवप्रयाग का पुल इस पुल के नीचे बहती है भागीरथी नदी और ये भागीरथी नदी आगे अलकनंदा के साथ मिलती है तो यहाँ पे आगे पे है संगम तो इस तरफ है यहाँ पे ये संस्कृत विश्वविद्यालय काफी पॉपुलर जगह है देवप्रयाग ये पंचप्रयागों में से एक माना जाता है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है यहाँ पे लोग जो है संगम देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे स्नान करने के लिए भी आते हैं लोग एकादशी का स्नान हो गया क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके जो है गंगा का रूप लेती है तो इसलिए लोग यहाँ पे जो है स्नान करने के लिए भी आते हैं तो यहाँ नीचे है अलकनंदा और भागीरथी का संगम आई होप कि यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को तो ये उधर से आ रही है अलकनंदा और यहाँ से आ रही है भागीरथी नदी तो यहाँ पे बीच में लोग स्नान करते हैं और ये जगह है देवप्रयाग और सामने है संस्कृत विश्वविद्यालय अभी रिसेंटली ये बना है आई गेस 2-3 सालों से ही बना है संस्कृत विश्वविद्यालय ये जगह है बयासी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था अभी पराठे वराठे खा के फिर चलते हैं देहरादून की तरफ अभी गर्मी उतनी नहीं लग रही थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है और बाइक भी इतनी गर्म नहीं हुई है पाँव में अभी इतना गर्म नहीं लग रहा तो अभी बज रहे हैं 11
मैं 7 बजे निकला था। अरे ओ हीरो, यहाँ पे राफ्टिंग चल रही है आजकल, गर्मियों में तो हमेशा ही चलती है, तो दूर दूर से यहाँ पे लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं। दूर से क्या आते हैं, दिल्ली से, मेरठ से ही आते हैं लोग, ज़्यादातर नोएडा, यूपी, दिल्ली, यहीं से आते हैं। और ऋषिकेश में ज़्यादा क्राउड यहीं का रहता है, दिल्ली और यूपी का। बाकी ये चार धाम वाले होते हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाले होते हैं, बाकी क्राउड उनका रहता है। जब तक बरसात नहीं आती तब तक यहाँ पे क्राउड रहेगा, बरसात आने के बाद पानी बढ़ जाता है, फिर जो है राफ्टिंग रुक जाती है। राफ्टिंग करने का भी अलग ही मजा होता है, एक अलग ही एडवेंचर होता है, बशर्ते आपको जो है थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह लेनी होती है, तैरना आना चाहिए। ये जाम लगे, यहाँ पे यही दिक्कत है यार, जाम लगता है, कहाँ जाएगा, उछल के जाएगा ऊपर, पू पू कर रहा है पीछे से। ऋषिकेश में बहुत जाम है, मतलब ये लगा लो कि 20 मिनट तो यहाँ पे खराब हो, बहुत ज़्यादा जाम है भैया, देख रहे हो कितना लंबा जाम है। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप बिल्कुल फंस जाओगे, मतलब कार वाले के लिए तो आधा पौना घंटे का जाम है ही है। ये लगा लो मैं 3 किलोमीटर पीछे से आ रहा हूँ कट मारते हुए, अंकल जी भी ना बिल्कुल, मतलब देख बाइक वाले कैसे जा रहे हैं किनारे किनारे, अब जो कार वाले हैं फोर व्हीलर वाले वो फंस गए। तो यहाँ पे फोर व्हीलर के लिए तो 1 घंटे का जाम है, ये 1 घंटे से भी ज़्यादा का मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर पीछे से आया हूँ ऐसे क्रॉस करते हुए। ये देखो कार वाले भी जो है कट मारने की सोच रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है कि आगे जाके फिर फंसना ही है। ये रोड का इशू है ठीक है, क्योंकि रोड ना बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है संकरी है, बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड होने की वजह से ये जाम है। अगर इसको 3 लेन का बनाया जाता, डबल लेन का, या मतलब इतनी और चौड़ी, तो इजीली जो है गाड़ियाँ मूव होती फिर, है ना। तो जाम देखो, जाम ऋषिकेश के ऊपर है ये जाम। तो ये है भानीवाला रोड और इसके ऊपर पूरा ये जाम लगा हुआ है। दिन के टाइम पे यहाँ पे बहुत जाम रहता है, तो इट्स बेटर कि आप सुबह निकलो यहाँ से। कितना लंबा जाम है देखो, और ये 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास जाम है ये। चलो भाई बीच में रास्ता मिल जाता है, ऐसी बीच के रास्ते रास्ते में कम से कम 4 किलोमीटर आया हूँ, 3-4 किलोमीटर तो लगा लो आप। अरे ये पूरा जाम है, पूरी रोड जो है चौक है, पूरी रोड चौक है। नीचे से लेके ऊपर से लेके दाएं से लेके बाएं से लेके सारा जाम। एक तो ये कार वाले अड़ते भी नहीं है भाई, बड़े ढीठ हैं ये, दिल्ली वाले हैं, दिल्ली का नंबर है, यही है वो कार वाला, दिल्ली का, दिल्ली का लौंडा, हट नहीं रहा है। ये चंडीगढ़ का बंदा है, देखो कितनी बड़ी बस है, 6 फिट की रोड है और 8 फिट की बस है।
रोड के हिसाब से व्हीकल होने चाहिए। अब ये व्हीकल इस रोड के लिए है, ये व्हीकल है हाईवे के लिए, लेकिन नहीं, ये इंडिया है भाई, इतने बड़े बड़े व्हीकल तो अलाउ भी नहीं करने चाहिए छोटी रोड पे। 6 फीट की तो रोड है, देखो कितनी बड़ी बस है, ये देखो यहाँ से देखो कितनी लंबी बस है। अब ये है देहरादून की रोड, भानी वाला देहरादून, देखो कितने कितना जंगल है आसपास, यहाँ पे बिल्कुल घने जंगल है, और ये पता नहीं कौन से पेड़ है, और यहाँ पे ना हाथी वाथी भी बहुत आते हैं। मैं पहुंचने वाला हूं देहरादून बस 5-10 मिनट में। ये भानीवाला रोड है और मुझे भानीवाला ही जाना है। भानीवाला मेरे साडू रहते हैं, मेरी वाइफ की दीदी, उनका यहां पे घर है, तो मैं आज यहां पे रुकूंगा, फिर कल अर्ली मॉर्निंग आई विल स्टार्ट राइडिंग टू दिल्ली। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है भानीवाला, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं गढ़वाली, और ज़्यादातर गढ़वाली लोग यहाँ पे हैं। अब गांव से लोग जो है प्लान करके यहीं आ रहे हैं, भानीवाला, ऋषिकेश, रायवाला, यहाँ से लेना है मेरे को लेफ्ट। ये आ गई देहरादून मसूरी वाली रोड, ये रोड सीधे आपको जो है मसूरी देहरादून लेके जाती है। तो ये मेरे साठों का घर, तो ये देहरादून में, तो देहरादून में पहुंच गया था शाम दिन में 1 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे के आसपास, और आज मैं यहीं रुकूंगा, फिर सुबह 5:30-6 बजे के आसपास जो है दिल्ली की तरफ जाऊँगा। साठों का घर दिखाता हूँ आपको, इनके 2 कमरे ड्राइंग रूम किचन, एक ये कमरा ये है, ये इनका ड्राइंग रूम, एक कमरा ये है, ये हैं भाई साहब साठू भाई साहब, इनकी मम्मी जी भी हैं, और ये साठू भाई साहब, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे इनके, और यहाँ पे इनका एक किचन, मेरे जो सासू जी क्या आप बना तुम आज तो इनका पूरा घर है। तो ये है मेरे जेठ सासू के 2 बच्चे प्रिंस और अनु, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 6th में, प्रिंस पढ़ते है 6th में, अनु पढ़ते है 4th में, और आजकल छुट्टी पड़ी है, पापा को बोला नहीं गांव चलते हैं, गांव में रहते हैं, नेक्स्ट मंथ तो बेटा पूजा करने जा रहे हो मसाना पूजा। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा 5:30 बजे दिल्ली के लिए, और मैं दिन में बैठा, थोड़ा बैटरी भी डाउन हो गई थी तो बना नहीं पाया ब्लॉग पूरा ना। तो देहरादून से मैं सुबह निकला था 6 बजे, 6:45 के आसपास, और अभी मैं ये हरिद्वार क्रॉस करके आगे आ चुका हूँ। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से दिल्ली है 160-170 किलोमीटर अवे, और ये वाला रूट हमेशा खाली रहता है जो गंगा नहर वाला है। मेरे राइट साइड इस तरफ ये नहर है पूरी, जो ये पानी आ रहा है हरिद्वार से, और ये काफ़ी लंबी नहर है ये मेरे। यहाँ पे चौराहे भी बीच बीच में मिलते रहते हैं,
लेकिन जाना मुझे सीधे ही है। खेती देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट, खेती बाड़ी बहुत होती है यहाँ पे, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ओ भाई साहब क्या है ये, अच्छा एक गन्ने की वो है ये छाल, गन्ने की छाल। ओ भाई साहब अगर ये पलट गया ना अगर तो क्या होगा भाई साहब, कैसे भर भर के ले जा रहे हैं ये गन्ने की छाल। ये भी जो है गन्ने की छाल ले जा रहा है, गन्ने का भूसा। और भाई ये लकड़ी ले जा रहा है, ये वाली लकड़ी है जो जिससे माचिस बनती है शायद। ये ले जा रहा है पुहाल, ये चावल की पुहाल है, धान की पुहाल। पूरी ट्रोली भर के जा रही है, और एक ट्रोली जा रही है आगे। ये खजूर के पेड़ है जो ये बाई तरफ दिख रहे हैं, खजूर के पेड़ है ये, दाई तरफ भी है, ये खजूर के पेड़ है। अब पीले पीले खजूर आ रखे इनमें, ये पके हुए हैं शायद। यहाँ पे भैंस की बुग्गी भी चलती है, अभी पीछे गई थी, कैमरा ऑफ था मेरा। घोड़े की बुग्गी और भैंस की बुग्गी, पूरा लेफ्ट साइड जो है गांव का एरिया है, पता नहीं कौन कौन से गांव है मैं नाम, यहाँ पे बोर्ड वोर्ड तो लगा नहीं है लेकिन कई सारे गांव है। यहाँ से मैं जाना सीधे, न दाएं न बाएं क्योंकि सीधे। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ क्योंकि यार थक लगी थी कंटिन्यू चलते चलते, एक घंटे से चल रहा था। तो ये देखो ये राइट साइड बहती है, ये राइट साइड है नहर, तो नहर के किनारे किनारे है ये रूट जो सीधे दिल्ली तक जाता है। ये नहर जो है ना ये हरिद्वार से शायद आती है, और ये फिर इधर उधर लेफ्ट राइट गाँव में ना ये डिवाइड होती है नहर, ये पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है खेतों के लिए। ये जा रही है भैंस की बग्गी, तो यहाँ भैंस की बग्गी भी बहुत है, भैंस की घोड़े की। तो दिल्ली में एंटर कर चुका हूँ मैं, और यहाँ से मुझे जाना छतरपुर छतरू, अभी एक घंटे का टाइम और लगेगा, डिपेंड करता है कि जाम मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ट्रैफिक होगा तो फिर एक घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब धीरे धीरे गर्मी लगने लगी है, 11 बज गए और भाई दिल्ली में घुसते ही जो है गर्मी शुरू। दिल्ली के बाहर इतनी गर्मी नहीं थी जितनी दिल्ली में अब महसूस हो रही है। बड़े पापी लोग रहते हैं यार दिल्ली में। आधी दिल्ली इस बोतल के पानी पे निर्भर है, देखो ये बोतल का पानी जा रहा है, आधी दिल्ली इसी बोतल के पानी पे जिंदा है। प्लास्टिक का पानी यहाँ से कट मारते हैं भाई के पीछे पीछे। ये देखे थे काम हो रहा है भूतिया, इधर तो हमेशा जाम रहता है, कोई मिनट ऐसा नहीं है जो यहाँ जाम ना मिलता हो मैरुली के पास। अब ये आगे लाडोसराय, लाडोसराय से 2 मिनट का रास्ता है छतरपुर।
12 बज गए भाई, तो एक्सपेक्टेड टाइम से मैं जल्दी पहुंच गया, 1 बजे का टाइम था एक्सपेक्टेड, लेकिन गनीमत ये रही कि पहुंच गया जल्दी। बाइक भी थोड़ा मैंने खींच के चलाई, ये आ गया छतरपुर, ये सामने छतरपुर मेट्रो, और छतरपुर मेट्रो से मेरे को लेफ्ट जाना है। गाड़ी बहुत गर्म हो गई यार, पाँव जल रहे हैं। दिल्ली की गलियां, ओ चल भाई बाद में कर लियो बात। यहाँ से लेना है लेफ्ट और यहीं पे मेरा रूम, गाड़ी अंदर खड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी में खड़ी करता हूँ मेरे ग्वाड़ गांव के रिश्तेदार अपने गांव के यहाँ।